बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 और NIOS DLED अभ्यर्थियों का केस डबल बेंच में। जैसा कि आपको पता है कि डबल बेंच में NIOS DLED अभ्यर्थियों का केस अब पहुंच चुका है। ऐसे में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी और NIOS DLED अभ्यर्थी जिन्होंने दिसंबर माह में सीटेट पास किया है वो असमंजस में है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां और आगे बहाली प्रक्रिया में क्या दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और NIOS DLED अभ्यर्थियों का क्या होगा। कुछ बड़े सवाल हैं और सवालों के जवाब को ढूंढते हुए हम पहुंचे एक अभ्यर्थी के पास और हमने पूछे कुछ ज्वलंत सवाल। आखिर NIOS DLED अभ्यर्थियों और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या बहाली प्रक्रिया दोबारा खुल पाएगी डबल बेंच में केस जाने पर और आगे क्या है भविष्य बिहार शिक्षक बहाली का। आइए हम आपको उस ऑडियो से रूबरू कराते हैं जिसमें अभ्यर्थी ने खोले हैं कई राज और इस वीडियो को देखने के बाद सुनने के बाद जो भी दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी है वो जाग जाएं और आगे बढ़ें, बने शिक्षा सुधार रोजगार के सदस्य। इस वीडियो को पहले आप देख लें, समझ लें, जान लें कि आखिर अभ्यर्थी ने क्या कहा और आगे बहाली प्रक्रिया में कैसे दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी और NIOS DLED अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आइए पहले हम ऑडियो से रूबरू कराते हैं, आप पूरा ऑडियो सुनिए। ऑडियो सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि बिहार शिक्षक बहाली में कैसे आपको मौका मिलेगा। अभ्यर्थी जो पूरे बिहार के 3800 जिले से हैं उनसे हमारा निवेदन है कि ऑडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप भी जुड़े शिक्षा सुधार रोजगार से, सदस्य बने शिक्षा सुधार रोजगार का और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ऑडियो को भी अपने चैनल पर चलाएं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी बात जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दीपक जी आपका स्वागत है शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि NIOS DLED अभ्यर्थियों का केस डबल बेंच पे जा रहा है और दिसंबर माह के जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो चाहे NIOS से पास हो या वो रेगुलर DLED BEd अभ्यर्थी हो, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बहाली प्रक्रिया जब शुरू होगी तो दिसंबर वाले सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि आप दिसंबर माह में सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और आप NIOS से DLED भी हैं, बताएं। जी धन्यवाद। ऐसा सर, अगर बिहार सरकार डबल बेंच में इस केस को लेके जा रही है तो वहां भी हम NIOS DLED कैंडिडेट की ही जीत होगी और रही दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों की तो उसमें बहुत सारे लोग हम लोग NIOS कैंडिडेट ऐसे हैं जो न्यूनतम अर्हता पहले नहीं पूरा किए हुए थे और फिर भी पेटिशनर बने हुए थे लेकिन अब न्यूनतम अर्हता पूरा कर लिए हैं। तो अगर बिहार सरकार इस बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, आवेदन का मौका अगर देती है तो सबसे पहले NIOS DLED कैंडिडेट को लेके ही आवेदन शुरू किया जाएगा। तो उसमें NIOS DLED कैंडिडेट के लिए जो आवेदन शुरू होगा उसमें ही रेगुलर DLED और BEd को भी आवेदन का मौका मिलेगा। आप सर ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर माह के जो सीटेट पास अभ्यर्थी उनको कैसे मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी और जो NIOS DLED जुलाई पास उनका कहना है कि जुलाई तक के ही सीटेट NIOS DLED पास अभ्यर्थी को मौका मिले। सर सबसे पहले नियमावली जो बिहार सरकार निकाली थी 1 अगस्त की बात जो कर रहे हैं वो 1 अगस्त के बाद भी एक लेटर हमारे शिक्षा सचिव जो है या रणजीत सर उनके द्वारा एक बाद में लेटर निकाला गया था, उसमें वो लिखे हुए थे, स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हुए थे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी न्यूनतम अर्हता प्राप्त करते हैं, तो आवेदन की अंतिम तिथि तो कब भी खत्म हो गई लेकिन आवेदन तो फिर से अब स्टार्ट हो गया है NIOS को लेके, तो उस आधार पर आवेदन की अंतिम तिथि अब तय होगी। इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि NIOS DLED कैंडिडेट के साथ साथ रेगुलर DLED को भी आवेदन का मौका मिलेगा। ऐसे में आपके खिलाफ रेगुलर DLED और BEd अभ्यर्थी सचिवालय का दौरा कर रहे हैं और जबरन ये मांग कर रहे हैं कि बहाली खुलवाई जाए और उनका ये भी कहना है कि अगर डबल बेंच में सरकार जाएगी तो सबसे पहले बहाली प्रक्रिया खुल रही है, ये उच्च अधिकारियों का कहना, कितना सच है ये? सर डबल बेंच में जाने पर बहाली प्रक्रिया खुलेगी नहीं, अनिश्चितकालीन रोक ही लग जाएगी, क्योंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में आया था और ऑर्डर में दिया हुआ था कि इन लोगों को बहाली में मौका दिया जाए, तो जब तक हम लोगों को बहाली में मौका नहीं देती है तब तक ये बहाली पोर्टल स्टार्ट नहीं हो सकती है।
और रही दूसरी बात कि बहुत सारे लोग मेरे डीएलएड रेगुलर वाले बीएड वाले भैया वो लोग बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट डबल बेंच में जाएगी और बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक डबल बेंच में मेरा केस चलेगा तब तक बहाली पर स्टे ही रहेगा, क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वही प्रभावी रहता है डबल बेंच के ऑर्डर आने तक। दीपक सर, अभी जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों से चंदा उगाही भी शुरू हुआ है कि आपको हम डबल बेंच में इंटरवेनर बना रहे हैं। आप ये बताएं, क्या डबल बेंच में रेगुलर डीएलएड बीएड अभ्यर्थी आपके प्रतिवादी बन सकते हैं? और दूसरी बात, अगर बन सकते हैं तो उनका मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए सर, जहां तक डबल बेंच की सवाल है, वहां अगर गवर्नमेंट जाती है तो गवर्नमेंट वहां पेटिशनर होगा और हम एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट रिस्पोंडेंट होंगे उनका। और कोई भी डीएड या बीएड अभ्यर्थी कर रहे हैं कि हम वहां जाके रिस्पोंडेंट बनेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि है क्या, अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम लोगों का झगड़ा गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट हम लोगों की डिग्री को इनवैलिड बता रही है, हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही उसको वैलिड बनवाए हैं, कोर्ट भी उसको वैलिड बता रही है। और समझने वाली बात है, जहां दो आदमी लड़ाई कर रहा है, दो आदमी की लड़ाई होती है, वहां तीसरा घुस के लड़ाई करना शुरू नहीं कर सकता है। ये पैसा उगाही का काम हो रहा है और हम लोग की डिग्री की बात है तो हम लोग सिंगल बेंच में भी कहीं भी डीएड वाले या बीएड वाले का पक्ष विपक्ष नहीं लिए हैं। हम लोगों की डायरेक्ट लड़ाई गवर्नमेंट से है और वहां भी गवर्नमेंट पेटिशनर बनेगी और हम लोग रिस्पोंडेंट हो जाएंगे। सिंगल बेंच में हम लोग पेटिशनर थे, गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट थी, और डबल बेंच में जस्ट इसका उल्टा होता है, वहां कोई इंटरवेनर का काम होगा ही नहीं और इंटरवेनर बन भी नहीं सकते हैं। सर, ऐसे में ये बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी जो रेगुलर है उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तब मारी जब सिंगल बेंच में उन्होंने आपको हल्का लिया, इस बात से आप कितना सहमत है? सर, हम लोगों को सिंगल बेंच जब फैसला दे दिया था उसके बाद ये लोग सचिवालय पे जाके ज्यादा प्रेशर बनाने लगे कि भाई एनआईओएस कैंडिडेट को हटाइए। इससे वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, क्योंकि बहाली प्रक्रिया अब अगर डबल बेंच में जाती है तो अनिश्चितकालीन के लिए बहाली प्रक्रिया यहीं पर स्थिर रहेगा जब तक डबल बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। इस अनुसार से लग रहा है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लिए। दीपक जी, रेगुलर जो डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी हैं वो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अपना दुश्मन समझते हैं, आप इस बात को कितना सच मानते हैं? क्या ये एक दुश्मनी है रेगुलर डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के साथ? नहीं, हम लोगों की लड़ाई सर केवल गवर्नमेंट से थी और गवर्नमेंट से ही है, चाहे वो बिहार सरकार हो या एनसीटी हो। हम लोगों को रेगुलर डीएड बीएड कैंडिडेट से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोग भाई भाई ही रहेंगे और भाई भाई ही समझते हैं। दीपक जी, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और अभ्यर्थियों को जागरूक किया, क्योंकि सब अभ्यर्थी ये समझ रहे थे कि जो दिसंबर माह के एनआईओएस डीएलएड या रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी और बहाली में भाग नहीं ले पाएंगे, कि पर आपकी बातों से ये साफ हो चला कि सबको बराबर मौका मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद आपका भी सर। अभी आपने एक अभ्यर्थी को सुना जिन्होंने अपने विचार साझा किए। आप भी अपने विचार शिक्षा सुधार रोजगार के इस YouTube चैनल पर साझा कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस पर कॉल करके अपने विचार साझा कर सकते हैं और हम अगर आपका विचार अच्छा हुआ तो अपने चैनल पर उसको प्रसारित करेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो भी दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी है, अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं शिक्षा सुधार रोजगार का तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और हम आपको जोड़ेंगे शिक्षा सुधार रोजगार के ग्रुप से जो दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बना है। शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ है और हमारा मानना है कि शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। आप अपने विचार दे सकते हैं हमें और हम आपके विचारों को शिक्षा सुधार रोजगार के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में जो भी अन्य अभ्यर्थी हैं, वो चाहे बिहार शिक्षक बहाली में रेगुलर डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी हों या एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हों या दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हों, आप कॉल करके जुड़ सकते हैं हमसे स्क्रीन पर दिए नंबरों से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, यही शिक्षा सुधार रोजगार का नारा है और इस नारे को बुलंद हम और आप
मिलकर करेंगे। धन्यवाद।